हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइलैंड्स और कोरल रीफ्स के बारे में। आइलैंड्स यानी कि द्वीप और कोरल रीफ्स यानी कि मूंगा चट्टान। तो शुरू करते हैं। आइलैंड होता क्या है? आइलैंड एक जमीन का टुकड़ा होता है जो कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ये आइलैंड या द्वीप जो हैं ये अकेले भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप के अंदर हो सकते हैं समुद्र के अंदर। कुछ छोटे आइलैंड तो लेक्स और रिवर्स के बीच में भी पाए जाते हैं। आइलैंड्स जो हैं उनको हम दो ग्रुप्स के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। एक है कॉन्टिनेंटल आइलैंड और दूसरा ओशियनिक आइलैंड। इन्हें एक एक करके देखते हैं। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होते हैं? ये आइलैंड वो होते हैं जो कि पहले मेनलैंड या फिर कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हों पर अब जो है उससे अलग हो गए हैं और आइलैंड बन गए हैं। अब जब कॉन्टिनेंट और इस जमीन के टुकड़े के बीच में पानी भर जाता है, ये पानी कम और ज्यादा गहरा दोनों हो सकता है। अब ये पानी बीच में भर कैसे जाता है? कई बार बीच की जो जमीन है वो धस जाती है तो ये जमीन का टुकड़ा जो है कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा और आइलैंड बन जाएगा, क्योंकि जमीन धस जाएगी तो उसमें पानी भर जाएगा। अब इस जमीन के टुकड़े का कनेक्शन उस कॉन्टिनेंट से हमें ऐसे भी पता लगता है क्योंकि वहां पाए जाने वाले जीव जंतु जो है वो कॉन्टिनेंट जैसे ही होते हैं। अब कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के अंदर कुछ और कैटेगरीज हैं। वो है पहला इंडिविजुअल आइलैंड्स। इंडिविजुअल आइलैंड्स जो कि कॉन्टिनेंट के बाहर एक अकेला जमीन का टुकड़ा हो जो कि आइलैंड बन गया, और इनके फीचर्स जो हैं वो कॉन्टिनेंटल वाले ही रहते हैं। इसका एग्जांपल है न्यूफाउंडलैंड जो कि अपनी मेनलैंड से डिसकनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ बेले आइल के थ्रू। एक और एग्जांपल है मेडागास्कर जो कि मोजम्बिक चैनल के कारण मेनलैंड से अलग हो गया। अगली कैटेगरी है कॉन्टिनेंटल आइलैंड के अंदर ही, वो है आर्किपिलागोस या फिर आइलैंड ग्रुप्स। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जिनके आकार जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश आइल्स। अगला है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के अंदर ही कैटेगरी जो है वो है फेस्टून्स या फिर आइलैंड आर्क्स। ये एक लूप की फॉर्म में, आर्क की फॉर्म में होते हैं जो कि बिल्कुल किनारे पर होते हैं मेनलैंड के। ये कभी माउंटेन रेंज हुआ करती थी जो कि किनारे पर है पर अब मेनलैंड से अलग हो गई है क्योंकि बीच में पानी भर गया। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट इंडीज और एल्यूशियन आइलैंड्स। अब अगली कैटेगरी है ओशियनिक आइलैंड्स की। ये द्वीप ज्यादातर छोटे होते हैं और समुद्र के बीच में पाए जाते हैं। इनका मेनलैंड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। जैसे कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स का मेनलैंड से कनेक्शन था, इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। इनके पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भी कॉन्टिनेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड्स हैं, उनके जो स्पीशीज हैं, जानवर हैं, वो बिल्कुल ही अलग तरह के होते हैं। इसके अंदर जो सब कैटेगरीज आती हैं वो है पहला वॉल्केनिक आइलैंड्स। कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि पहले ज्वालामुखी का हिस्सा हुआ करते थे पर ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा जो है वही अब नजर आता है, बाकी जगह जो है वो पानी से ढक गई है। ज्यादातर वॉल्केनो तो अब जो है वो एक्टिव नहीं है, हालांकि कुछ इनमें से एक्टिव भी पाए गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैसिफिक ओशियन के अंदर माउना लोआ जो कि हवाई में है। अगली सब कैटेगरी है ओशियनिक आइलैंड्स के अंदर, वो है कोरल आइलैंड्स। अब वॉल्केनिक आइलैंड्स तो काफी ऊंचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो कोरल आइलैंड्स होते हैं ये इतने ऊंचे नहीं होते और बस पानी के सरफेस के ऊपर थोड़े से नजर आते हैं। ये कोरल्स द्वारा बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह की इनकी जातियां होती हैं कोरल्स की। कोरल को हम हिंदी में मूंगा कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट के पास भी पाए जाते हैं और ओशियंस के बीच में भी पाए जाते हैं। कोरल आइलैंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हैं मार्शल आइलैंड्स, गिलबर्ट एंड एलिस आइलैंड्स जो कि पैसिफिक में है, बर्मुडा जो कि अटलांटिक में है। अब बात करते हैं कोरल रीफ्स की। जो हमारी ट्रॉपिकल सीज होती हैं वहाँ कई तरह के कोरल एनिमल्स और मरीन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोरल पॉलिप्स हो गए, कालसिरस एल्गी हो गई, शेल फॉर्मिंग कुछ क्रिएचर्स होते हैं, कुछ लाइम सिक्रीट करने वाले प्लांट्स भी होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं। अब ये बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं अपने सेल्स में से, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब जमा होता जाता है तो ये एक लैंडफॉर्म बना देता है। अब क्योंकि इनकी जातियां अलग अलग होती हैं तो उसमें अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की, कई तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। वैसे सभी कोरल एनिमल्स को देखा जाए, जंतुओं को देखा जाए, तो उसमें पॉलिप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिप्स जो हैं वो एक छोटे से कप के अंदर रहते हैं कोरल्स के, और कोरल रीफ्स बनाते हैं, मूंगा चट्टाने बनाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कैल्शियम वाला स्केलेटन होता है वो जमा होता रहता है और कोरल रीफ्स बनती हैं।
अब जो रीफ बनाने वाले, चट्टाने बनाने वाले कोरल्स होते हैं वो सबसे अच्छा कहाँ सर्वाइव करते हैं ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। ये कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पानी जो है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी नहीं होना चाहिए। इसी कारण जो है हमें कोरल्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में ही देखने को मिलते हैं। अब अगर कहीं पे ठंडे पानी का बहाव है, कोल्ड करंट्स हैं, तब भी वहाँ कोरल नहीं पनप पाएंगे क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा। और कई जगह अगर गर्म पानी का बहाव आ रहे हैं, वार्म करंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोरल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पैसिफिक और इंडियन ओशियंस के अंदर जो है कोरल रीफ्स ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन है कि पानी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 180 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गहरा होने पे जो समुद्र की रोशनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती और फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो सूक्ष्म एल्गी है जिसके ऊपर कोरल पॉलिप्स जो है वो जिंदा रहते हैं, वो एल्गी ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब उथला पानी होना चाहिए, लेकिन पानी की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पॉलिप्स जो है वो पानी के बिना भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन जो है वो है कि पानी नमकीन होना चाहिए और उसमें सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एकदम साफ पानी होना चाहिए। इसलिए अगर कोई नदी या कोई धारा आके समुद्र में मिल रही है तो वो वहाँ पे पानी इतना नमकीन नहीं होता और उसमें सेडिमेंट्स होते हैं, तो इस कारण वहाँ पॉलिप्स कोरल्स कम पाए जाते हैं। और जहाँ पानी साफ होता है और थोड़ा चलता भी रहता है और नमकीन भी होता है, वहाँ पॉलिप्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की, अलग अलग तरह के कोरल रीफ्स। पहला है फ्रिंजिंग रीफ्स। ये चट्टान वो होती है जो कि समुद्र के किनारे के काफ़ी पास होती हैं। समुद्र के किनारे के पास अगर कोरल्स जो है वो रीफ्स बनाते हैं तो वो फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं। बहुत ही उथला लैगून होता है कई बार सिर्फ कोरल रीफ और किनारे के बीच में। अगला है बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ जो है वो किनारे से काफ़ी दूर पाए जाती हैं और इनका जो चैनल होता है वो इतना उथला नहीं होता। अब रीफ्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर रेत भी जमा हो जाती है और फिर उस रेत के ऊपर कुछ वेजिटेशन भी पैदा हो जाती है। कई कई जगह इन रीफ्स के बीच में गैप्स होते हैं जिसमें से समुद्र का पानी अंदर आ जाता है और बाहर भी जाता है। जो सबसे वेल नोन बैरियर रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कोस्ट के पास है। तीसरा है एटोल्स। एटोल्स जो हैं वो भी बैरियर रीफ की तरह ही होते हैं, लेकिन ये एक गोल आकार में होते हैं जिसके बीच में एक उथला लैगून होता है, लेकिन कोई ज़मीन नहीं होती। अब ये जो गोल आकार है ये कई जगह से टूटा हुआ भी होता है जिसमें से पानी समुद्र का आ जा सकता है बीच में लैगून के। रीफ्स के बीच में रेत और लाइमस्टोन वगैरह जमा हो जाता है और पाम ट्रीज वगैरह उग सकते हैं। कुछ बड़े एटोल्स के एग्जाम्पल हैं वो है सुवादीवा, जो कि मालदीव्स में है। अब ये कोरल रीफ बने कैसे, इसकी दो थ्योरीज जो हैं वो फेमस हैं। हम दोनों थ्योरीज देख लेते हैं। पहली थ्योरी है सब्सिडेंस थ्योरी, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी। डार्विन ने ये अज्यूम किया कि जो कोरल रीफ है ये पहले एक फ्रिंजिंग रीफ की तरह शुरू हुआ, मतलब किनारे के पास कोरल रीफ बननी शुरू हुई, पर जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे धस गई। अब ज़मीन तो धस गई, लेकिन जो कोरल्स हैं वो जमा होते गए और पानी के ऊपर अपने आप को रखने के लिए वो ऊँचे होते गए। अब बाहरी किनारे पे रीफ के ये ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हुई और इसलिए इसका आकार भी बढ़ता चला गया, और समय के साथ बीच की जो ज़मीन है वो तो धस गई और अब हमें नज़र नहीं आती, और ऊपर जो है वो एटोल्स बन गए। अब जो बीच का जो आइलैंड था, जो ज़मीन थी वो तो धस गई और उसके ऊपर कुछ सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होते गए, इसलिए जो बीच में जो लैगून है वो इतना गहरा नहीं होता। दूसरी थ्योरी जो है वो है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जो कि आर ए डेली ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आइस एज थी तो बर्फ जमा थी आइलैंड्स के ऊपर और फिर मरीन इरोजन हुआ जिसके कारण जो है आइलैंड्स जो है वो ऊपर से छोटे हो गए, ज़मीन जो है वो नीचे को चली गई। अब जब टेम्परेचर बढ़ता गया तो सी का लेवल जो है वो फिर से ऊपर को आया, लेकिन आइलैंड जो है वो तो इरोड हो गया था, तो आइलैंड तो नीचे चला गया, समुद्र ऊपर आ गया, लेकिन कोरल्स जो है वो अपनी स्पीड से बढ़ते रहे और ऊपर की ओर आते रहे। पानी का लेवल जितना ऊपर आता था कोरल्स भी और उतने ऊपर को आते गए। अब बीच का हिस्सा या जो आइलैंड है वो तो नीचे चला गया और कोरल जो है वो आज भी हमें ऊपर एटोल की फॉर्म में नज़र आते हैं। दोस्तों, कोरल रीफ्स जो हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि कोरल रीफ्स जो हैं वो दुनिया भर में ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, और इसका जो कारण है वो इंसानी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि माइनिंग, पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग और क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण है।
तो ये था हमारा आइलैंड्स और कोरल रीफ्स के ऊपर चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।